नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। 5 जून हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछले 56 दिनों से देश में लॉकडाउन चल रहा था और अब अनलॉक 1 शुरू हुआ है, यानी लॉकडाउन खोलने की शुरुआत हुई है। पर्यावरण पर लॉकडाउन का क्या असर हुआ, आज हम जरा उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन ने भले ही अर्थतंत्र की कमर तोड़ दी हो, काफी मजदूरों को उसका सामना भी करना पड़ा हो, लेकिन एक अच्छा पहलू भी निकल के आया है इससे। अच्छा पहलू यह कि कई प्रोजेक्ट्स पर पर्यावरण पर सरकार हजारों करोड़ों का खर्चा कर रही थी, मगर कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था। तो इस लॉकडाउन ने क्या असर दिखाया है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमूल जी हैं और डॉक्टर नताशा पटेल हैं। हर पहलू पर चर्चा करने के लिए दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा अमूल जी से। अमूल जी, लॉकडाउन का पर्यावरण पर और जो आर्थिक पहलू हैं जुड़े हुए, वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन का जो पर्यावरण है उस पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। उदाहरण के लिए जैसे गंगा है, गंगा क्लीनलीनेस के लिए सरकार ने मेरे ख्याल से 2 बार कुछ 250 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट किए हैं। अब तक 48 करोड़ उस पर खर्चा हो चुका है, जो जितने फंड एकत्रित हुए थे, लेकिन क्लीनलीनेस के नाम पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस लॉकडाउन में सिर्फ 20 दिनों में गंगा का पानी पीने लायक हो गया है, विच इट्सेल्फ शोज़ कि इसका एनवायरनमेंट पे कितना फ़र्क पड़ा है। पोल्यूशन लेवल दिल्ली में वो 80% से इम्प्रूव हुआ है 20 दिन के अंदर। तो ये कुछ पहलू हैं जो दर्शाते हैं कि पर्यावरण पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अमूल जी, बीच में चर्चा कर रहे थे कि लॉकडाउन को अगर सुचारू रूप से लागू किया जाए तो इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जा सकता है। मान लीजिए कि सरकार ये निश्चय करती है, कैलेंडर में 10 दिन डिसाइड करती है कि ये देश भर में लॉकडाउन रहेगा, तो इस पहलू पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम डॉक्टर नताशा पटेल से वी वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर नताशा पटेल दैट व्हाट मेंटल एस्पेक्ट does lockdown matters to human being and all those people who are going through this, what can be the positive outcome from this lockdown? Yes. Thank you. One of the positive effects that we noticed during lockdown was that non-emergency medical services were quite decreased compared to before the lockdown, meaning that people were having less aches, pains and illness when they were at home. That's quite interesting, and it shows how when we rest and when we rejuvenate, when we relax our mind, when we meditate, when we spend time with our loved ones, when we eat food that is prepared by our own hands, when we do not go to the gym but instead we clean our basic necessities like cleaning our vessels at home, cleaning the floors at our house, cleaning our clothes by ourselves, right? Cleaning our garden on our own, that is the exercise that needs to be done. And when we have extra time, then we can sit in some meditation, in some contemplation, going deeper within ourselves to see exactly why we have come to Earth, right? We've not come here only to make money. We've come here to realize ourselves. So that was one very positive thing that we noticed during the lockdown. हम मनुष्य जाति को आध्यात्मिक चीज़ों के साथ साथ में कुछ भौतिक चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि देश में बहुत वर्ग ऐसा है जिसे अध्यात्म से उतना लेना देना तो नहीं, उसे 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ जो उसे करना होता है उसके लिए वो महत्वपूर्ण होता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि ये जो लॉकडाउन हुआ और आप जिस तरह के लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि लोगों को, जो मजदूरों को आपने देखा, अर्थव्यवस्था को इतनी नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या किया जाए कि इस तरह की मुसीबतें ना हों? थैंक यू विवेक जी। इससे पहले मैं 2 मुद्दों पे और बात करना चाहूँगा। एक है हमारा फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन पूरे हिंदुस्तान में पिछले 3 महीने में 60% कम हुआ है। तो इससे कार्बन एमिशन जो सड़कों पे हो रहा है और जो पोल्यूशन हमें साफ होता हुआ दिख रहा है, उसके लिए हार्ड डेटा फैक्ट्स हैं, 60% कम हुआ है। एविएशन फ्यूल
एविएशन फ्यूल सिर्फ 4% यूज़ हुआ है पिछले 3 महीने में अगेंस्ट लास्ट ईयर, तो कंप्लीट एविएशन सेक्टर बंद था। हाँ, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। एक जो दूसरा डेटा पॉइंट है वो ये भी है, इंटरनेट यूजेज। माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना वीडियो सॉफ्टवेयर है जिससे उनकी टीम कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग होती थी, वो 60% इंक्रीज हुई है पिछले 3 महीनों में। जूम जो वीडियो कॉलिंग के लिए दिसंबर तक 10 मिलियन यूजर्स क्लॉक करता था, इस मार्च में और अप्रैल में दे हैव क्लॉक 300 मिलियन यूजर्स, दैट्स द इंक्रीज। सो ऐसा नहीं है कि काम बंद हो गया, ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, ऐसा नहीं है कि हम इसको अगर प्लान तरीके से करेंगे, आपके सवाल पे आते हुए, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपने जिन इंडस्ट्रीज़ की बात की है, लगभग वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे हमारा जो मजदूर वर्ग है, मतलब मान लीजिए कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं या स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, तो डायरेक्ट लॉकडाउन के कारण उनके रोजगार को फर्क पड़ा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह का दोबारा कभी किया जाए, मान लीजिए कि सरकार ऐसा सोचती है कि 10 दिन के लॉकडाउन किया जाए, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? और ऐसा मतलब आपने बताया मुझे कि बिजनेस टोटली ठप नहीं हुए हैं, तो और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए था? ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो है कि हम उन 10 दिनों में या 5 दिनों में जो भी हम डिसाइड करते हैं, उसकी वजह से देश को कोई आर्थिक नुकसान तो नहीं हो रहा है। इस पूरे कैलेंडर ईयर में, चाहे वो भारतवर्ष हो चाहे विश्व में कहीं पे भी हो, 21 दिन की छुट्टियां हर किसी को अलाउड हैं, हर कोई लेता है छुट्टियां, 21 दिन, 1 महीना, ये छुट्टियां हर कोई लेता है। लेकिन अगर इसको प्लान तरीके से करेंगे, ना तो प्रोडक्शन पे नुकसान होगा, ना तो मजदूरों की तनख्वाह पे नुकसान होगा, ना हमारे यहाँ पे जो रोज़मर्रा काम करने वाले हैं उन पे कोई प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये प्लान्ड है तो ना तो एविएशन सेक्टर पे फ़र्क आएगा, क्योंकि जिन्होंने ट्रैवल करना है वो पहले ट्रैवल कर चुके होंगे, जिन्होंने जहाँ पहुँचना होगा छुट्टियाँ मनाने वो अपने घरों पे, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने परिवारों के पास, या उनको जहाँ पे भी छुट्टियाँ मनानी है वहाँ वो पहुँच सकते हैं पहले। तो मेरे नज़रिए से इसका किसी भी सेक्टर पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा अगर ये प्लान तरीके से। उदाहरण की बात बता रहा हूँ मैं, गुजरात में लापाचम होता है दिवाली के बाद, 5-6 दिन के लिए सब कुछ बंद होता है। हम यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पे क्रिसमस में 20 दिसंबर या 25 दिसंबर से लेके 5 या 10 जनवरी तक सब बंद रहता है, कोई पब्लिक कहीं आती जाती नहीं है, सब दुकानें बंद रहती हैं। तो क्या हम ये बोल दें कि उनकी अर्थव्यवस्था पे एक भारी धक्का है? नहीं, क्योंकि लोग शॉपिंग पहले कर लेते हैं, लोग खाने का सामान पहले स्टॉक कर लेते हैं, लोगों ने जो जो काम करने रहते हैं वो सब पहले कर चुके होते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी मेरी अपनी सोच है। Now I'll come to Dr. Natasha Patel, who will tell us how to regenerate ourselves after this lockdown and what positive aspects she looks other than adhyatma and all those things. Natasha. One major issue that we are facing as a collective, all of humanity is facing, is climate change. And what we noticed during lockdown was how much less we were consuming. And another issue that we all face is stress. So one of the examples that I was giving my patients in the clinic was that had we known that the lockdown was coming for 2 months, chances are that we would have never thought that we would be able to live this way. But in reality, we actually did such a great job living this way. अंत में हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर लॉकडाउन को प्लान किया जाए, मान लीजिए कि दिवाली की 5 दिन छुट्टियां होती हैं, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, गुजरात में, तो उसे बढ़ा भी दिया जाए और पूरे देश में अगर राष्ट्रीय पर्व की तरह से लिया जाए, तो पर्यावरण पर इसके इतने गहरे और इतने अच्छे नतीजे आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके लिए आपको करोड़ों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अगर करोड़ों रुपये खर्च भी करती है तो पर्यावरण के लिए खर्च वास्तविक रूप से कितने होते हैं वो शायद आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। संवाद से जुड़े रहें और अपने सुझाव देते रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय जय हिंद।